हेलो नमस्ते बाल मित्रों, ज्ञानमंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो बच्चों, मजे में हो ना? मजे में ही रहना, ठीक है। चलो आज हम चौथी कक्षा में हिंदी में, हमने पाठ्यपुस्तक में तो 6 पाठ तक समझा दिया है, ठीक है। अब आज मैं स्वापोथी में भी 6ठा पाठ आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। चलो अगले 5 पाठ तक तो आपने स्वापोथी में होमवर्क भी कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो आज पूरा कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्वापोथी में पाठ 6 टपका का डर, ये क्या है? एक कहानी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए, ठीक है। चलो कोष्टक में हमें जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन हमें उसमें से चुनकर लिखना है। चलो पहला है, बुढ़िया का घर खाली जगह में था। कहाँ था? जंगल में। बुढ़िया का घर जंगल में था। दूसरी खाली जगह है, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था। क्या बरस रहा था? बरसात के मौसम में पानी, तो चारों ओर पानी बरस रहा था। खाली जगह का घर टपकने लगा। किसका घर टपकने लगा था? बुढ़िया का। चौथी खाली जगह है, थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे। बेर बराबर यानी कि बोर झेवड़ा, ओले ओले यानी के करा, वरसादना करा जे पड़े ने एने शू कहवाय हिंदी में? ओले। तो थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। पांचवी खाली जगह है, बुढ़िया खाली जगह हो उठी। क्या हुआ बुढ़िया को? बुढ़िया परेशान हो उठी। छठी खाली जगह है, बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखना यानी कि बहुत ही तेज़ी से भागना। अब देखिए दूसरा प्रश्न, पढ़िए समझिए और लिखिए। झुंझला उठना, झुंझला उठना यानी कि क्रोधित होना। तो झुंझला उठना, तो इसका वाक्य कैसे हम बनाएंगे कि बुढ़िया के घर में चूल्हे पर पानी टपकता था तो बुढ़िया एकदम ही झुंझला उठी। देखो क्या है वाक्य, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। जब बुढ़िया खाना पका रही थी तो उसके चूल्हे पर भी पानी टपक रहा था, तो बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। झुंझला उठी यानी खूब बहुत ही गुस्से होना। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। हम दोनों तरफ से, दोनों ही रीत से ये वाक्य बना सकते हैं। अब देखो, सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। अब देखो हम दोनों ही वाक्य बनाएंगे, बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। जो ओले टपक रहे थे ना, उससे डरकर बाघ भाग गया। बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। हम दोनों ही रीत से ये वाक्य बना सकते हैं। तो बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। अब देखो तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। देखो हम गुजराती में विकल्प कहते हैं ना, यहाँ पर भी ऐसे विकल्प भी है। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। क्योंकि क्यों भीग रहा था? क्योंकि बरसात का दिन था। तो जवाब क्या है? क, बरसात का दिन था। दूसरा है, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि क्या है?
घर की दीवारें कमज़ोर थी या छप्पर ठीक नहीं था या छप्पर सीमेंट से बना था? तो जवाब क्या है? ब, छप्पर ठीक नहीं था। तीसरा है, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया क्या कर रही थी? चावल पका रही थी। ठीक है, चलो अब देखें चौथा। बाघ घबरा कर भाग गया, क्योंकि क्यों भागा? बुढ़िया ने कहा था कि वह बाघ से नहीं लेकिन टपका से डरती है, ये सुनकर बाघ भाग गया। अब देखो प्रश्न नंबर 4, अ, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाइए या तो कीजिए। बुढ़िया चावल पका रही थी, तो ये वाक्य सही है। ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी, ओलों की मार से नहीं लेकिन पानी टपकने से ओलिया बुढ़िया परेशान हो उठी, तो ये गलत है। मटके पर पानी टपक रहा था, ये वाक्य गलत है। कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, ये वाक्य सही है। पांचवा है, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, तो ये वाक्य गलत है। अब देखिए ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो कितने प्रकार के देखे हैं? तो मैंने मिट्टी के, लोहे के और गैस के चूल्हे देखे हैं। और तो कैसे देखे होंगे हमने? तीन ही चूल्हे होते हैं, एक तो वो जो छोटे छोटे गांव में औरतें मिट्टी का चूल्हा बनाकर क्या करती है, लकड़ियाँ सीमेंट कर वो खाना पकाती है, और दूसरा ऐसा ही चूल्हा लोहे का भी होता है जहाँ बुढ़िया नहीं औरतें लकड़ियाँ लकड़ियों से अपना खाना पकाती है, और जो हम रखते हैं गैस का चूल्हा। ठीक है, दूसरा, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा क्या होता है? बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। तीसरा है, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। तो जंगल में पेड़ पौधे, पशु पंखी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। जब बारिश होती है तो सब कुछ भीग जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 5, अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। दूसरा है, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। तीसरा है, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा है, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ टप टप जैसी थी। पांचवा है, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। इसके बाद, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5, ब, निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। अब देखो पहला है मोर, तो मोर के बारे में हमें 5-7 वाक्य लिखने हैं। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है। आपने कभी मोर देखा है? देखा ही होगा। ठीक है,
तो मोर सबसे सुंदर पक्षी है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर बहुत ही खुश हो जाता है और बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है, या तो बड़े बड़े बंगलों की टेरेस पर भी रहता है। मोर की आवाज़ भी मधुर होती है। चलो अब देखिए बाघ। बाघ के बारे में भी हमें 5-7 वाक्य में लिखना है। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। आपने सिंह तो कभी देखा नहीं होगा, शायद पिक्चर में देखे होंगे, लेकिन फेस टू फेस तो बाघ आपने देखा ही नहीं होगा। शायद कोई गिर के जंगल में गए होंगे तो देखा होगा। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। आपने कभी बड़ौदा या जूनागढ़ में पक्षी घर देखा होगा तो ये बाघ देखा होगा। ठीक है, चलो अब तोता। तोते के बारे में हमें 5-7 वाक्य लिखना है। तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसके गले में काली धारी होती है। उसकी चोंच लाल होती है। उसकी आवाज़ मीठी होती है। लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। क्या खाता है तोता? ग्रीन मिर्च, तीखी मिर्च और अमरूद, यानी कि जामफल तोते को बहुत पसंद है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। चलो ये किसका चित्र है? आप देख सकते हैं मेले का चित्र है। किसका है? मेले का। तो चलो हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं। यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक तरफ दो घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। आपने कभी मेले में देखा होगा कि वहाँ क्या क्या होता है। चकडोल होता है, फिर सपेरा होता है, मदारी होता है जो सांप का खेल दिखाता है, गुब्बारे वाला होता है, चकडोल होते हैं, कुछ खिलौनों की दुकानें होती है और मेले में घोड़े भी होते हैं। क्या करता है? छोटे छोटे बच्चे घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी भी कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बिल्ली, तो बिल्लियाँ। मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में हमें लिखना है। ठीक है, मक्खी, तो मक्खियाँ। तो मक्खी रोग का घर है और मक्खियाँ गंदगी में रहती है। फिर दूसरा है लड़की, तो लड़कियाँ। यह मेरी बहन की लड़की है। मोहन चाचा की 3 लड़कियाँ हैं। तीसरा वाक्य है रोटी, तो रोटियाँ। मयूर ने 1 रोटी गाय को खिलाई। मनीष ने
कुत्ते को तीन रोटियां खिलाई, एक वचन और दो बहुवचन दोनों में हमें ये लिखना है। चूड़ी, तो चूड़ियां। टीना एक ही चूड़ी पहनती है, मीना चार चूड़ियां पहनती हैं। ठीक है, चलो अब देखिए आठवां प्रश्न, सोचिए और उत्तर लिखिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो हमारे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। दूसरा, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल और सीमेंट से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर कैसे बनता है? छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। ओले पड़ने पर तुम क्या क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उससे खेलते हैं, उसे झेलते हैं और खाते हैं। ठीक है, और उससे खेलते हैं। ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर क्या क्या नुकसान होता है? ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को नुकसान होता है। सातवां प्रश्न, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। इसके बाद आठवां प्रश्न, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? जब बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती हूँ मगर टपका से डरती हूँ, यह सुनकर बाघ ने सोचा कि ये टपका मुझसे भी कोई बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब देखो नौवां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। जब मैंने आपको पाठ समझाया था पाठ्यपुस्तक में, तब भी मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी। ये कैसी कहानी है? चूहे और सिंह की। ठीक है, सिंह यानी कि शेर। तो चलो सुने, किसी एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो सो रहा था, उस समय एक चूहा अपने बिले से निकला। वह शेर पर दौड़ने लगा, इससे चलो फिर से कहती हूँ, ये चित्र किसका है? शेर और चूहे की कहानी है। तो किसी एक जंगल में एक शेर रहता था, एक दिन वो सो रहा था, उस समय एक चूहा अपने बिल से बाहर निकला। वह शेर पर दौड़ने लगा, इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत ही गुस्सा आया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर को एक शिकारी ने अपनी जाल में फंसा लिया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी चोंच से जाल को कुतर डाला, शेर जाल से मुक्त हो गया और शेर ने चूहा का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, ये कहानी कैसी है? शेर और चूहे की। चूहा शेर पर खेलने लगता है, उसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन शेर तो बहुत ही नींद में था तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और चूहे को पकड़ लिया। तो चूहा क्या कहता है कि
महाराज आप मुझे कृपया छोड़ दे, मैं कभी आपके काम आऊँगा। तो शेर तो हंसने लगता है, फिर भी उसे चूहे पर दया आती है और वो छोड़ देता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी ने सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया। ये देखकर चूहा बहुत ही घबरा गया, उसे दया आ गई। तो वो अपनी चोंच से ये जाल को कुतर डालता है और सिंह को बचा लेता है। और सिंह इस चूहे का बहुत ही आभार मानता है। तो हमें ये सोचना है कि किसी भी छोटे प्राणी को हमें मान देना चाहिए कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत ही उपयोगी होता है। चलो, आज मैंने आपको स्वापोथी में भी छठा पाठ समझा दिया, तो आप ये होमवर्क ख़त्म कर देना, ठीक है बच्चों? मैं आपको आज ये होमवर्क दे दूँगी। बाय, नमस्ते बच्चों।